नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमरपुर बाजार में अतिक्रमण स्थल को बांका एसडीएम मनोज कुमार चौधरी एवं अमरपुर सीओ स्वाति कृष्णा के नेतृत्व में गुरुवार के दिन खाली कराया गया। गुरुवार के दोपहर अचानक अधिकारियों का काफिला जेसीबी वाहन के शहर के व्यस्तम इलाका गोला चौक पर पहुंचे और माइकिंग कराकर अस्थायी दुकानदार एवं अस्थायी दुकानदारों को अतिक्रमण किए गए स्थल को खाली कराने का निर्देश दिया। तत्पश्चात जेसीबी वाहन के द्वारा अतिक्रमित स्थल को खाली कराया गया। गोला चौक, हलवाई टोला, पुरानी चौक, बस स्टैंड पहुंचकर अधिकारियों ने अतिक्रमित स्थल को खाली कराया। वहीं आम दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बताए चले, विगत एक माह से नगर पंचायत के द्वारा माइकिंग कराकर अतिक्रमित स्थल को खाली कर देने की अपील दुकानदारों से कर रहे थे। इस अवसर पर बीडीओ राकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन, रामाशंकर सिंह समेत काफी संख्या में पुलिसकर्मी एवं नगर पंचायत के कर्मी उपस्थित थे। अमरपुर शहर के बस स्टैंड पर राजद के नगर अध्यक्ष दिग्विजय भगत के आवास पर देश का किसानों के समर्थन में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास ने किया। बैठक में मुख्य रूप से राजद के जिला अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ठाकुर, अमरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र सिंह, वरीय नेता बाल मुकुंद मंडल, संजय यादव, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप कुमार चतुर्वेदी उपस्थित हुए। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में किसानों के द्वारा बिल वापस लेने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सभी किसानों के समर्थन में आगामी 30 जनवरी को प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय में मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित होने सुनिश्चित करें एवं क्षेत्र के किसानों को जागरूक करें। इस अवसर पर इंटक अध्यक्ष विनय कापरे, जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद इरफान खान, महासचिव राजीव भगत, पप्पू यादव, उपेंद्र यादव, पंसस मनोज शर्मा समेत दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। 30 तारीख को मानव श्रृंखला का निर्माण करने जा रहे हैं किसान भाइयों को जगाने के लिए। हमारे बिहार के भी किसान जगे और अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पर, सड़क पर आवे। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उनका हम लोग जो है समर्थन करें। साइबर अपराध से जुड़े मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। साइबर अपराधी अब आम इंसान के खाते पर भी नजर बनाए हुए हैं। ताजा मामला शंभुगंज थाना क्षेत्र का है। यहां बंसीपुर गांव निवासी गुंजन कुमार सिंह के खाते से साइबर अपराधियों ने 76,000 रुपए खाते से उड़ा लिए। पीड़ित गुंजन कुमार सिंह ने बताया कि जियो कंपनी का अभिकर्ता बनकर एक अनजान नंबर से यह कहकर कॉल आया कि जियो का रिचार्ज खत्म हो गया है और इसे चालू रखने के लिए मात्र 10 रुपए का बैलेंस जमा कर दें। उसके झांसे में आकर जियो ऐप के माध्यम से 10 रुपए का रिचार्ज कर दिया। रिचार्ज करते ही थोड़ी देर में बचत खाते से गाड़ी कमाई के सारे रुपए गायब हो गए। खाते में 76,000 रुपए थे। युवक मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। मामले को लेकर पीड़ित युवक ने शंभुगंज थाने में लिखित शिकायत भी दी है। पीड़ित मर्चेंट नेवी के कर्मी गुंजन कुमार सिंह ने शंभुगंज थाने में अज्ञात के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष उमेश प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले चटमाडी गांव की एक महिला के खाते से 55,000 रुपए और रेलवे कर्मी के खाते से 28,500 की साइबर फ्रॉड हो चुकी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।